आज तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को किसी दूसरे देश जाना होता था तो एयर इंडिया के कमर्शियल एयरक्राफ्ट का यूज करते थे, जिन्हें जर्नी के दौरान उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते थे। पर हर पावरफुल देश के पास, चाहे फिर वो अमेरिका हो, रशिया हो या फिर चाइना हो, सबके पास अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट होते हैं। इसी को देखते हुए हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नए एडवांस एयरक्राफ्ट को बनवाया गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस एयरक्राफ्ट की क्या खासियतें हैं और ये हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना सिक्योर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश के बड़े बड़े फैसले लेते हैं जिसके चलते कई ग्रुप इन पर हमला करने की फिराक में होते हैं। ग्राउंड थ्रेट से बचाने के लिए तो एसपीजी कमांडो ही काफ़ी है और इनसे भी ऊपर मोदी जी की ब्लड प्रूफ BMW 7 सीरीज कार या फिर रेंज रोवर, ये अपने आप में एक चलती फिरती टैंक है। ये तो बात होगी ग्राउंड की, पर क्या हमारे देश के PM और प्रेसिडेंट हवा में भी इतने सुरक्षित है? मेरा मतलब है क्या मोदी जी का विमान भी ऐसा बुलेट प्रूफ है? आज तक आपने सुना होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के IL-96, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बोइंग 747 के बारे में, पर इंडिया कौन सा पीछे रहने वाला था? हमारे PM या प्रेसिडेंट के एयर ट्रेवल के लिए दो एयरफोर्स वन 777-374 हमेशा तैयार रहते हैं। पर इससे पहले हमारे देश के PM और प्रेसिडेंट भी एयर इंडिया के कमर्शियल एयरक्राफ्ट को यूज करते थे। जब किसी फॉरेन कंट्री को जाना होता था तो इन एयरक्राफ्ट में कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किए जाते थे, पर इन्हें एनिमी टारगेट से बचाना जरा मुश्किल होता था। तो अब अमेरिकन बोइंग कंपनी के साथ डील की गई दो एयरक्राफ्ट की, जिन्हें VIP और VVIP के जर्नी के लिए बनाया जाना था। इनका नाम था एयरफोर्स वन 777-374। इन्हें ग्राउंड और एयर थ्रेट से बचाने के लिए कई नए एडवांस सेंसर और टेक्नोलॉजी इसमें इंस्टॉल की गई, जिससे अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के एयरफोर्स वन से किसी भी तरह कम नहीं है। इन्हें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जब एयर इंडिया के विमानों से यात्रा की जाती थी तब इन्हें ऑपरेट भी एयर इंडिया ही करती थी, ना कि एयरफोर्स। पर एयरफोर्स वन को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करेगी और जो इसकी मेंटेनेंस होगी वो एयर इंडिया के द्वारा की जाएगी, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लीट में बड़े नंबर में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता है, तो एयर इंडिया के पास इन्हें मेंटेन करने का एक्सपीरियंस है। एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के बाद इन्हें फिर से इंडियन एयरफोर्स को ही सौंप दिया जाएगा और एयरफोर्स ही VIP और VVIP की यात्राओं को संभालेगी। ये एयरक्राफ्ट 10 घंटे तक नॉनस्टॉप फ्लाई कर सकता है। वैसे तो ये रेंज काफी ज्यादा है, पर इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके चलते इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन फैसिलिटी दी गई है। अगर किसी कारण से ग्राउंड के रडार या टावर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सैटेलाइट के जरिए ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ कई एडवांस सेंसर को इसमें इंस्टॉल किया गया है, जैसे एडवांस नेविगेशन एड्स, एडवांस मिसाइल वार्निंग सिस्टम, मिसाइल डिटेक्टिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के अलावा कई और एडवांस फीचर भी हैं। तो अगर किसी मिसाइल से इन्हें टारगेट किया जाता है तो ये फ्लेयर को यूज कर सकता है, जिसके चलते एयरक्राफ्ट किसी भी ग्राउंड या एयर थ्रेट से बच सकता है। इसमें वायरिंग और क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक को हैवी शील्डिंग से प्रोटेक्ट किया गया है, जिससे इन्हें किसी भी न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक उड़ता हुआ अपने आप में एयरफोर्स के बराबर है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट पर तब इंडियन को प्राउड होता है कि हमारे देश के PM और प्रेसिडेंट के पास भी अपना एक स्पेशल और मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।